आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ हरी मिर्च के इंस्टेंट अचार की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ विजया और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ये जो मैं अचार की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसको बनाने में मुश्किल से 5 मिनट लगता है, लेकिन आप इसे 6 महीने तक स्टोर करके और एंजॉय कर सकते हैं। चलिए फिर ज्यादा देर नहीं करते हुए रेसिपी को देखते हैं। तो इस रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम हरी मिर्च लिया है, और जब भी आप हरी मिर्च लें तो बिल्कुल ताजी हरी मिर्च देख के लीजिए, उसका अचार काफी अच्छा बनेगा और ज्यादा दिन तक टिकेगा। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्चों को अच्छे से धो लिया है, और धोने के बाद इसको कपड़े से पोंछ के सुखा लिया है, या आप इसे फैन के नीचे भी 5-10 मिनट के लिए रख दीजिए तो आपका मिर्च जो है वो अच्छे से सूख जाएगा। तो सबसे पहले इन हरी मिर्चों की डंडी निकाल लेंगे। सारी डंडियों को हमें निकाल देना है, क्योंकि अगर अचार में डंडियां रहेंगी तो अचार जो है वो जल्दी खराब हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने सारी हरी मिर्च की डंडियों को निकाल दिया है, और अब इसके बाद इस तरह से हरी मिर्चों में चीरा लगा देना है। सारी मिर्चों को इस तरह से चीरा लगा के तैयार कर लेंगे। इसके पहले भी मैंने हरी मिर्च के अचार की रेसिपी आप लोगों से शेयर की है, और आप लोगों ने उसे काफी पसंद किया है। अगर आप चाहें तो उस रेसिपी का लिंक मैं आई बटन में दे दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। हरी मिर्च के अचार के अलावा भी बहुत सारे अचार की रेसिपीज मेरे चैनल पे अपलोड है। अगर आप अचार बनाने में इंटरेस्टेड है तो अचार रेसिपीज बाय शीरास किचन करके आप सर्च करिएगा, सारी की सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, और आप जिस भी टाइप के अचार बनाना चाहें वहाँ से देख के बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सारी हरी मिर्चों में चीरा लगा के और इसको तैयार कर लिया है, और अब इस अचार के लिए एक मसाला बना के रेडी करेंगे। इस मसाले से जो मिर्च का अचार का टेस्ट है वो काफी एनहांस होगा। तो मसाला को रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पे पैन को पहले से ही गर्म कर लिया है, स्लो फ्लेम पे पैन को गर्म करना है। और अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच खड़ा धनिया, 2 चम्मच सौंफ, 1/4 चम्मच मेथी, साथ में ऐड करेंगे 7 से 8 दाने काली मिर्च के, और उसी के साथ इसमें ऐड कर देंगे 2 लौंग। और अब इस मसाले को ड्राई रोस्ट कर लेना है, जब तक कि मसालों में से अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगती। गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो रखना है, और ये देखिए यहाँ पे मेथी का जो कलर है वो बिल्कुल अभी चेंज हो गया है, और सारे मसालों से एक अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तभी गैस को ऑफ कर देंगे और मसाले को एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेंगे, और जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसको हल्का सा मोटा मोटा ग्राइंड कर लेना है। और ये देखिए इस तरह से मैंने मसाले को मोटा मोटा सा ग्राइंड कर लिया है। चलिए फिर नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले पैन में 1.5 बड़ा चम्मच तेल ऐड करेंगे। ये तेल यहाँ पे ज्यादा नहीं है, क्योंकि जो मसाले हम ऐड करेंगे मसाले जो है वो इस तेल को एब्जॉर्ब कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने ये सरसों का तेल लिया है, सरसों के तेल में ही इस अचार का फ्लेवर काफी उभर के आता है, तो आप कोशिश करिए कि सरसों के तेल में ही इसे बनाएं। और अगर सरसों का तेल अवेलेबल ना हो तो आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज करते हो उसमें भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है। तेल यहाँ पे अच्छे से गर्म हो गया है, आप देखिए उसका कलर भी चेंज हो गया है, और तेल में से धुआं निकलना शुरू हो गया है। तभी गैस को ऑफ कर देंगे और तेल को थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, और जब तेल का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाएगा तब इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच अजवाइन, 1/2 चम्मच हींग। हींग का फ्लेवर काफी अच्छा लगता है इस रेसिपी में। इसके साथ ही इसमें ऐड कर देंगे सरसों। मैं यहाँ पे पीली वाली सरसों ऐड कर रही हूँ, आप यहाँ पे काली वाली सरसों या इसकी जगह पे राई भी यूज कर सकते हैं। और बस एक बार इस तरह से तेल में सारे मसालों को मिक्स कर देना है, और इसी के साथ जो हमने हरी मिर्ची को कट करके रखा है वो ऐड कर देंगे। ये सारे मसालों का प्रपोर्शन मैं 250 ग्राम मिर्च के लिए आपको बता रही हूँ। अगर आपकी मिर्च कम है या ज्यादा है तो उसी के अकॉर्डिंग आप मसालों का प्रपोर्शन बढ़ा लीजिएगा। और अब इन हरी मिर्चों को 2 मिनट के लिए फ्राई करना है, उससे ज्यादा नहीं। सिर्फ आपको मिर्च के ऊपर एक हल्की सी व्हाइट कोटिंग दिखने लगे बस उतने ही आपको फ्राई करना है, ज्यादा फ्राई नहीं करना है, नहीं तो एक तो इनका कलर चेंज हो जाएगा और दूसरा इसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। और ये देखिए जैसे 2 मिनट के लिए आप मिर्चों को फ्राई कर देंगे इस तरह से व्हाइट स्पॉट दिखने लगेगा, बस उससे ज्यादा आपको मिर्चों को फ्राई नहीं करना है। और अब इसमें पाउडर मसाले ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा चम्मच आमचूर पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। ये सिर्फ कलर के लिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके साथ ही जो हमने ये मसाला तैयार करके रखा था वो भी ऐड कर देंगे। मसालों को ऐड करते समय मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है, और इसी के साथ इसमें ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और अभी गैस को फिर से ऑन कर लेंगे और सारे मसालों को मिक्स कर देना है मिर्च के साथ। और आप देखिए यहाँ पे जो हमने तेल ऐड किया था सारा तेल मसालों ने अब्सॉर्ब कर लिया है, और अभी इन मिर्चों को 2 मिनट के लिए इन मसालों के साथ और भून लेंगे। यहाँ पे जो मैंने मिर्चें ली है वो तीखी वाली मिर्च है, आप चाहें तो कम तीखी वाली मिर्च से भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। और ये देखिए 2 मिनट के लिए और मैंने इन मिर्चों को फ्राई कर लिया है, और यहाँ पे ये हमारा मिर्च का अचार अब रेडी हो गया है। गैस को ऑफ कर देंगे और अभी इस अचार को ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ही आप इसको ग्लास के कंटेनर में स्टोर करिएगा। तो यहाँ पे ये हमारा अचार अभी रेडी हो गया है। आप इस अचार को ट्रेवलिंग लेके जा सकते हैं, लंच बॉक्स में दे सकते हैं, दाल चावल के साथ एंजॉय करिए, या अपनी किसी भी थाली के साथ सर्व करिए, काफी टेस्टी लगता है। और इस अचार को आप
किसी भी ग्लास के कंटेनर में स्टोर करके और फ्रिज में रख दीजिए। 6 महीने तक ये अचार बिल्कुल खराब नहीं होता। और अगर आप इसे बाहर स्टोर करना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा तेल और ऐड कर दीजिए। अगर ये अचार तेल में डूबा रहेगा तो आपका ये अचार खराब नहीं होगा। तो इस रेसिपी को एक बार ट्राई करिए, और अगर आज की रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।